हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त साजिद। ये मेरी न्यू वीडियो है, मैं आपका वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम दोस्तों घूमने जा रहे हैं, दो तीन जन है। ये पिछोला, दुत्तलई, जो भी लेक, आपको बता दो इधर का व्यू कैसा कैसा है, आपको मजा आ जाएगा देख के। ठीक है दोस्तों, तो एंजॉय कीजिए वीडियो। तो दोस्तों हम देखो दुत्तलई जा रहे हैं, बस दुत्तलई आने वाली है। ये बहुत ही सुहाना रास्ता है इधर का, हमें बहुत मज़ा आता, मगर पैदल पैदल जाओ यहाँ से बहुत मज़ा आता है। ये देखिए आपको पता तो उधर का व्यू, समोर बाग है। और राइट लेफ्ट में मेरे दुत्तल है इस तरफ, अब देखिए कितना अच्छा नजारा है ये। आओ तो पानी की बोतल जरूर लेके आना, गर्मी बहुत है, बिना पानी आप आना ही मत। ये दुत्तलई का गेट, ये दुत्तलई गार्डन देखिए दोस्तों कितना अच्छा खूबसूरत है। आज मौसम भी सुहाना है, गर्मी कम है आज। तो दोस्तों ये देखिए दुत्तलई का जो भी है, ये मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए दुत्तलई कितनी खूबसूरत है। और कहते थे यहाँ पहले दूध आता था, दूध की नदियाँ भी, ये तो फालतू बातें हैं, मगर है अच्छी बहुत। देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही मस्त जगह है, आओ कभी आप भी घूमने। ये वो गार्डन है, ऊपर ऊपर से रोप जाती है करनी माता। हेलो, ये अपने अंकल देखे घूमते हुए मजे लेते हुए। हेलो अंकल, अंकल तो कुछ बोल नहीं रहे, बिजी है। ये कितनी पिक्चरों में भी आ चुकी है, कि शूटिंग में दुत्तलई बहुत फिल्मों में आ चुकी है। कितना खूबसूरत व्यू है, वो सिटी पैलेस, ये सिटी पैलेस दिखा। तो दोस्तों देखिए दुत्तलई की सफाई कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो है सफाई का काम कर रहे हैं। देखिए ये भैया लोग भी खाना खा रहे हैं। और भैया कहाँ से हो आप? ये सिसारमा से। और भैया आप? कोरियार से। ये सब देख लीजिए, सब खाना खा रहे हैं बेचारे, अभी ड्यूटी से छुट्टी करी। लंच कितने बजे तक का लंच है तुम्हारा? रोटी खाते लग जाओ काम पे, कि थोड़ा यूँ रेस्ट करोगे, आधा घंटे रेस्ट करोगे। चलो ठीक है, काम करो यार, कहीं नहीं है। कितने मिलते? 400 रुपये रोज बताइए, कितने कम में काम करते हैं सब लोग यार बेचारे, ऐसा ही है। तो दोस्तों देखिए दुत्तलई, यहाँ पहले कपड़े वपड़े धोने भी मना थे, मगर अब जब भी यहाँ लोग कपड़े धोते हैं, जो यहाँ पुलिस वाले आते हैं तो भाग जाते सब। कपड़े वपड़े धोना बिल्कुल मना है, और यहाँ साफ सफाई का काम चल रहा है। यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं उस तरफ पिछोला, आपको बता दो उस तरफ का क्या व्यू है। तो दोस्तों हमारे रिजवान भाई तो आए नहीं, वो रिजवान भाई कह रहे थे वो लेट हो गए, उनका सेट नहीं आया, उनको पैसे देने वाले के लिए, तो वहीं बैठे वो कह रहे आधे घंटा लगे। मैंने कहा ठीक है आ जाना आप इधर ही, दुत्तलई ही है। तो दोस्तों देखिए अब हम आगे पिछोला जा रहे हैं, आपको वहाँ का बता दो सीन क्या है। ये पीछे मंदिर है पुराना कोई, ये मेरे पीछे गार्डन है, या कपल लोग ज़्यादा आके बैठते हैं, शादीशुदा जोड़ा है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आके बैठते हैं, हमारा कोई काम नहीं इधर। ऊपर देखिए मंदिर भी, दरगाह भी है, रोप पे भी चालू है, बहुत ही अच्छा व्यू है। हमें कोई चाचा जान मिल गया। और चाचा क्या बेच रहे हो हैं, क्या बेच रहे हो? ये चाचा मस्ती कर रहे, देखिए ना अपने बैग, अपने अपनी समझो बेटी, आपके तो अपने ही है। कितने में दे रहे हो बैग एक? ये चाचा जैसे चाहिए ले लो। अच्छा मेरे तो नहीं चाहिए, पूछ रहा था यूं ही। पूछ देते ना, कहीं भरी हुई थोड़ी है ये, पानी इधर भी पानी इधर, अब मेरे से खेलवाड़ी हो आप तो। अरे मजाक कर रहा हूँ, कहीं बेचो बेचो। मैं हल्का बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं सही है सही है, वो सब कहते हैं कैसे सही है। ये दोस्तों मेरे पीछे देखिए पिछोला लेक, बहुत ही जोरदार, बहुत ही खूबसूरत, पूरा उदयपुर का नजारा इससे एक एक नंबर लगता है। पीछे जग मंदिर भी है, लेक पैलेस होटल भी है, और ये पाल है पिछोला की, बहुत ही खूबसूरत है। ला यहाँ की भीड़ देखिए कितनी भीड़ है, रोज इतनी भीड़ पड़ती है, और संडे के दिन तो बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का, ये देखिए इस तरफ दुत्तलई। कितना रहे वजन तोलने क्या, या पैसे तो नहीं उस्ताद? तोल लो, चलो ठीक है। कितना देखना है? या पैसे, पैसे तो नहीं मेरे पास, मगर उधार कर लो क्या? ये देखिए भैया मेरे पास पैसे नहीं, पैसा जब भी कह रहे वहाँ मत देना, ऐसे दिलदार है अपने इंडिया में, और कहीं नहीं मिलेंगे दिलदार, केवल इंडिया में ही मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलेंगे पूरी दुनिया में। क्या नाम है आपका? रमन। रमन जी कहाँ रहते हो?
पता पता मैं अच्छा पता है वो अपने क्या नाम है चंपालाल धर्मशाला में रेंट कितना वहाँ का 50 रुपये रोज तो आप तो लेते ही नहीं हो पैसे लोगों से तो फिर कैसे मिलेगा लिया करो यार पैसे पैसे मेहनत कर रहे हो बेटे हो फ्री में थोड़ी जख मरवाने वास्ते बैठो पैसे मांगा कोई भी हो पैसे किससे नहीं छोड़ने मेहनत का पैसा लेना ठीक है रमन जी ओके सर। तो दोस्तों हम पिछले से आगे निकलते हुए आगे जा रहे कोई गार्डन है उधर आई लव उदयपुर लिखा हुआ उधर जाके देखते हैं कैसा व्यू है क्या क्या नजारा उधर मैं तो कभी गया नहीं हूँ उधर मगर पहली बार जा रहा हूँ जाके देखता हूँ क्या क्या है उधर ठीक है दोस्तों तो आप भी चलिए मेरे साथ। ये देखिए पिछले तालाब का व्यू बहुत ही खूबसूरत सब होटल है जितना भी सब दिख जाता है इधर से। अब हम तो कोई गार्डन जा रहे हैं क्या पता कौन सा गार्डन मिलता है पता नहीं होता देख के ना फिर घर की रवानगी कर लेंगे। रात को दोस्तों इस रास्ते मत आना यहाँ शेर चीते भी होते हैं चीते जरूर शेर नहीं है तो चीते तो जरूर मिलेंगे आपको गारंटी है क्योंकि यहाँ कितनी बार आ चुके हैं चीते। अच्छा दोस्तों कितना दूर का रास्ता है बहुत ही अच्छा व्यू है बारिश में तो और अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा खाली खाली रोड है गर्मी के हिसाब से और जैसे थोड़ी गर्मी कम होगी बहुत भीड़ पड़ती है इस रास्ते में लोग सुबह काम पर जाते हैं और काम से आते हैं गाँव पड़ता है इस रास्ते में व्यू बहुत अच्छा है। ये रोड ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बजे तक चलता है उसके बाद बिल्कुल बंद हो जाता है रात को कोई आना पसंद नहीं करता लोग कहते हैं लूट लेते हैं ना कर लेते हैं मगर ऐसा तो कुछ नहीं हम तो कितनी कितनी बार रात को 10-10, 11-11 बजे है ऐसा कुछ नहीं होता है इस रोड पे। मज़ा आ रहा है बहुत बढ़िया मज़ा आया कि नहीं आया ये डाड़ी बड़ी चिरपुटी को लग रहा है। हाँ ध्यान से आराम से हाँ ये ट्रैफिक लग गया यार थोड़ा सा यहाँ पर धीरे धीरे गांव है बहुत ही अच्छा और यहाँ भी होटलें बनना चालू हो गई है। तो देखिए मेरे पीछे जो भी व्यू दिख रहा है ना होटलें बन रही है गांव वाले भी तरक्की कर रहे हैं तो यहाँ व्यू बहुत अच्छा है ना इसलिए होटल बन रही है टूरिस्ट ही है पूरा एरिया। तो दोस्तों देखिए हम ये आ गए पार्क में आई लव उदयपुर लिखकर का देखो आपको बताता हूँ ये देखिए मेरे पीछे अभी तो कोई 2-3 जने बंदे हैं भीड़ भी नहीं है अभी गर्मी के हिसाब से आप शाम के टाइम ही आइए 6-5 बजे के बीच में बाकी दिन में आने से कोई मतलब नहीं गर्मी बहुत है इधर और आप फालतू परेशान हो जाओगे शाम के टाइम। अच्छा भी गर्मी बहुत हद से ज़्यादा है इसलिए मत आना आप यहाँ शाम के टाइम आना गर्मी बहुत ज़्यादा है पानी की बोतल लेके आते सही रहता और यार शाम के समय आते सही रहता अभी गर्मी बहुत है मतलब नहीं आने से अपन को इतना बहुत गर्मी है यार हद से ज़्यादा। ये हमारे काका मिले हैं ना भैया मिले हैं अभी देखिए ये भी गर्मी में बैठे हुए हैं थोड़े छाव लेने वास्ते गर्मी इनको भी लग रही है। कैसे हो काका आप सिसरमा में पास में ही रहो गर्मी ज़्यादा है कि नहीं है गर्मी ज़्यादा है हाँ तो फिर शाम के समय आना पड़ेगा है दिन में आने से मतलब नहीं है। क्या नाम है इस गार्डन का ये लव गार्डन लव गार्डन अच्छा कपल्स आते हैं यहाँ सिंगल लोगों को कोई काम नहीं है सिंगल लोगों का क्या नाम है कोई अकेला नहीं आ सकता पति पत्नी आ सकते लव गार्डन का मतलब तो ये है ना चलो ठीक है। तो दोस्तों ये मेरे पीछे देखिए आई लव उदयपुर लिखा हुआ है और मैं तो नज़र ही नहीं आता बिल्कुल काला हो गया होऊंगा अभी तो ये पूरा आई लव उदयपुर ये लिखा यही गार्डन है मगर यहाँ अभी दिन में बिल्कुल मत आना आप शाम के समय आइए बिल्कुल गर्मी है गर्मी कोई दिखेगा भी नहीं परेशान हो जाओगे और बच्चों के साथ तो दिन में कभी आना ही नहीं भूल के भी यहाँ। देखिए दोस्तों पानी पूरा सूखा है अब गर्मी के समय अब ये 4 महीने बाद पूरा हरा भरा हो जाएगा अभी तो सूखने ये घास वास सब जो भी है ये गाय वाय जो भी है यहाँ है वो सामने होटलें भी दिख रही है ये कौन सी होटल नाम तो मुझे पता नहीं बस है। तो दोस्तों दिन के समय तो आपसे निवेदन है बिल्कुल मत आना हम भी अब घर जा रहे हैं कोई मतलब नहीं है गर्मी भेजा गर्म हो गया पूरा और अगर नाक में से खून निकलने लग जाए उससे पहले हम घर चले जाते हैं और रेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम तो जा रहे हैं घर और इसी के साथ अपन नई वीडियो में मिलेंगे और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।